हेलो एंड वेलकम टू यूएस। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। और आज का हमारा एक कंसेप्ट है नेगेटिव कैपेबिलिटी। और ये तो पढ़ने वाले हमारे सभी साथी जानते हैं कि नेगेटिव, ये क्वेश्चन बनता है कि हु कॉइंड द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी। तो सभी साथियों का करेक्ट आंसर होता है किड्स, और यह क्वेश्चन TGT एग्जाम में आ भी चुका है। लेकिन माय डियर, आज मैं आपको हिंदी में अर्थ समझाऊंगा कि अर्थात नेगेटिव कैपेबिलिटी होती क्या है, इस टर्म को किड्स ने क्वाइन किया तो इसका मतलब क्या है, क्या इसके पहले भी इसको किसी ने यूज किया, समझेंगे विस्तार से। आइए जानते हैं इन डिटेल। जैसे ही हम पढ़ते हैं नेगेटिव शब्द तो हमारे मन में आता है कि कोई नकारात्मक बात होगी, और कैपेबिलिटी मीन्स क्षमता, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। समझेंगे एक्चुअल में जो नेगेटिव कैपेबिलिटी है, किड्स इस नेगेटिव कैपेबिलिटी पर विश्वास करते थे, और उन्होंने इस कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी को अपने एक लेटर में डेवलप किया। और उस लेटर में उन्होंने बोला कि इट इज़ नॉट इट सेल्फ, इट हैज़ नो सेल्फ। यानी कि जो ऑथर होता है वो एक गिरगिट की तरह हो सकता है, कह सकते हो कि गिरगिट की तरह होता है, जैसे गिरगिट अपना रंग बदलता है, वैसे जो वेरियस कलर होते हैं वो हमारा ऑथर अज्यूम करता है। ही हैज़ नो आइडेंटिटी, ऑथर की कोई आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि नेगेटिव कैपेबिलिटी है क्या। जैसे ऑथर कोई भी पोएम लिख रहा है या कोई प्ले लिख रहा है, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भैया ये कैरेक्टर ऑथर के ऊपर मैच कर रहा है। अगर लगना भी चाहिए तो फिर सारे कैरेक्टर लगने चाहिए कि हाँ सब मैच कर रहे हैं। कहने का मतलब कि अगर हम एक्चुअल मीनिंग जाने नेगेटिव कैपेबिलिटी तो वो है क्या, इस पॉइंट को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिएगा इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। नेगेटिव कैपेबिलिटी मींस द कैपेबिलिटी ऑफ नेगेटिंग वन सेल्फ। केवल आप इस हेडिंग का मीनिंग समझ लो, इस लाइन का मीनिंग समझ लो, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि जो नेगेटिव कैपेबिलिटी है उसका एक्चुअल में मतलब है क्या। नेगेटिव कैपेबिलिटी मींस द कैपेबिलिटी, नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब है क्षमता ऑफ नेगेटिंग वन सेल्फ, स्वयं को नकारने का। कहने का मतलब जो ऑथर का स्वयं का अस्तित्व होता है वो उसकी क्रिएशन में नहीं दिखना चाहिए, वो उसके वर्क में नहीं दिखना चाहिए। कहने का मतलब आशय क्या हुआ, जैसे आपने इसको एक पॉइंट और समझें कि इसके पहले विलियम शेक्सपियर ने भी नेगेटिव कैपेबिलिटी जैसी कुछ चीज़ों का यूज किया है, लेकिन इस टर्म को एक्चुअल में किसने क्वाइन किया, तो वो कीट्स आंसर है। देखो जैसे आपने सपोज दैट विलियम शेक्सपियर का कोई प्ले पढ़ा, मान लीजिए कि आपने हेमलेट पढ़ा, तो हेमलेट में अगर आपको विलियम शेक्सपियर का कैरेक्टर नज़र आने लगा और विलियम शेक्सपियर की सारी ज़िंदगी उतर करके आने लगे, तो ये फिर नेगेटिव कैपेबिलिटी नहीं है। और यदि आपको हेमलेट में नज़र आए तो कुछ और कैरेक्टर्स में भी नज़र आना चाहिए कि हाँ ऐसा भी है, हाँ ऐसा भी है, हाँ शेक्सपियर ऐसा भी है, यानी कि सारे कैरेक्टर्स में उसका रूप दिखना चाहिए। आई मीन टू से कि आज आपको केवल इतना जानना है कि नेगेटिव कैपेबिलिटी का असली अर्थ यही होता है कि ऑथर की छाप उसकी क्रिएशन के किसी एक कैरेक्टर में नहीं होना चाहिए, ऑथर को न्यूट्रल होना चाहिए। और किड्स के विषय में कहें तो किड्स ने ये क्वालिटी, किड्स फाउंड दिस क्वालिटी एट इट्स फुलेस्ट इन शेक्सपियर, शेक्सपियर से ही ये क्वालिटी किड्स को प्राप्त हुई थी। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी मीन्स निश्चित तौर पर आपको समझ में आया कि ऑथर अपने आप को एकदम निगेट कर देता है, ये न्यूट्रल कर देता है। और आप इसको थोड़ा सा और समझें, थोड़ा सा एक विस्तार से, जैसे हम ब्राउनिंग एंड हार्डी की बात करें, हु आर कन्फर्म्ड ऑप्टिमिस्ट एंड पैसिमिस्ट। ब्राउनिंग के विषय में जानते हैं कि ऑप्टिमिस्ट आशावादी हैं और पैसिमिस्ट निराशावादी हैं। सो कैन नॉट हैव नेगेटिव कैपेबिलिटी, इनमें कोई नेगेटिव कैपेबिलिटी नहीं हो सकती है, क्योंकि जो इनके कैरेक्टर्स होंगे ये बिल्कुल वैसे ही होंगे। जबकि किड्स का मानना था कि कैरेक्टर्स जो होने चाहिए वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, कन्फर्म्ड नहीं होने चाहिए कि अगर भाई हार्डी ने लिखा है तो इसका मतलब पैसिमिस्ट ही होगा। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी, अगर समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम ये पॉइंट जरूर याद कर लें कि नेगेटिव कैपेबिलिटी टर्म किड्स ने क्वाइन किया था, और ये भूलना भी नहीं चाहिए। टेक केयर, थैंक यू।